आज का प्रश्न है फ्री प्लेसमेंट। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप फ्रेशर हैं और आपको नौकरी चाहिए, कि आप फ्रेशर नहीं भी हैं, आप एक ऑफिसर बन चुके हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए? देखिए, मर्चेंट नेवी में सारे काम लिंक्स के द्वारा होते हैं। आपके कहाँ कहाँ लिंक्स कितने हैं, आपके क्या कनेक्शन हैं और कौन आपकी सिफारिश लगाने को तैयार है, इन चीज़ों पर सब कुछ निर्भर करता है। सबसे पहला काम, आप मुंबई आएँ, मुंबई आकर सीमेंस हॉस्टल में रहें, सीमेंस गेस्ट हाउस में रहें। मुंबई के हर एक इलाके में बहुत सारे पीजी हैं, गेस्ट हाउस हैं, लॉज हैं, केवल सी फेयरर्स के लिए। ऐसी जगहों पे आप चेक इन कीजिए, यहाँ पे जब आप रहते हैं आपके दोस्त बनते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं और आपके पास जानकारी आती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर आवश्यकता है, कौन सी कंपनी के पास ज़्यादा जहाज़ हैं, कौन सी कंपनी फ्रेशर्स को मौका दे रही है। ये सारी बातें ना ही इंटरनेट से पता चलती हैं और ना ही किसी न्यूज़पेपर से, ये आपको पता चलती है उन लोगों से जो इस लाइन में अभी के अभी हैं और अपडेटेड हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कदम है कि आप चेक इन करें ऐसे गेस्ट हाउस में जहाँ पर सारे सी फेयरर्स हैं, और अधिकतर वहाँ पे आपको वही लोग मिलेंगे जो नौकरी की तलाश में हैं, इसलिए उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये पहला कदम। दूसरा कदम, आप अपना सीवी बनाइए वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में बना के रखिए और उसको प्रिंटआउट्स निकालिए, हार्ड कॉपी निकालिए। अब आपको रोज़ अलग अलग कंपनीज में जाना है और अपने सीवी देने हैं। अधिकतर क्या होता है, लोग बहुत सारे कंपनीज़ में जाते हैं, दो तीन महीने में कई कई सौ कंपनीज़ में चले जाते हैं, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता है और नकारात्मकता मन में आ जाती है, अफसाद में वे डूब जाते हैं। इससे आपको बचना है, आप लगे रहिए। और इसका एक अच्छा तरीका, एक क्या स्ट्रैटेजी सही जो मैं जिसकी मैं आपको सलाह देता हूँ, आप उन कंपनीज़ को टारगेट कीजिए जो कि छोटी हैं। बड़ी कंपनीज़ तो वैसे ही नहीं लेंगी फ्रेशर्स को, तो टारगेट कीजिए छोटी कंपनीज। छोटी कंपनीज़ पता कीजिए कौन सी हैं, ऑफशोर कंपनीज़ को टारगेट कीजिए, नियर कोस्टल वेसल्स जिस कंपनी में है, टग बोट्स जिस कंपनी में है, ऐसी कंपनीज़ को आप टारगेट कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाइए। और देखिए, ईमेल करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हार्ड कॉपी वाली सीवी देना, ये बात आप याद रखें। और हार ना माने, बार बार जाते रहें, एक ऑफिस के बाद दूसरे ऑफिस, दूसरे के बाद दूसरे ऑफिस। अब मैं बात करना चाहूँगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आप जानते होंगे भारत की इकलौती सरकारी कंपनी है जो कि कुछ ही दिनों में प्राइवेटाइज होने वाली है। आज ही तो ये बिक चुकी है पहले ही, इसके आधे शेयर्स तो प्राइवेट कंपनी ने ख़रीद लिए हैं, कुछ ही बचे हैं, तब तक ये सरकारी है। SCI एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्यूसडे और फ्राइडे इंटरव्यू लेती है। कैसे लेती है? ट्यूसडे और फ्राइडे आप SCI के ऑफिस में जाइए और बैठे रहिए पूरा दिन, अचानक से आपको दिखेगा ट्यूसडे और फ्राइडे को एक आदमी आएगा और रैंडमली पूछेगा कौन कौन OS है, कौन कौन डेक कैडेट है, कौन कौन AB है। इस प्रकार से अचानक रैंडमली वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हें वो अचानक से इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। ऐसा होता है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। अब वापस उस बात पे आता हूँ, आप टारगेट कीजिए छोटी कंपनीज। छोटी कंपनीज जो हैं, एक कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा, ओशन स्पार्कल लिमिटेड या स्पार्कल ओशन लिमिटेड, मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसा नाम है, स्पार्कल ओशन लिमिटेड। इसमें आप कोशिश कीजिए, ये टग बोट की कंपनी है और ये फ्रेशर्स को ले लेती है बिना पैसे दिए। ऐसी कंपनीज को आप टारगेट कीजिए। इसके सिवा ये मैगज़ीन है जो 30 रुपये की आती है, CN Job, ये बहुत कारगर है, इसका इस्तेमाल कीजिए। यही इंटरनेट पर भी मौजूद है मुफ्त में, CNjobs.net या .com, मैं भी भूल गया हूँ ये क्या है, आप खुद सर्च कर लेना, लेकिन ये आप देख सकते हैं CNjobs.net, सिर्फ 30 रुपये में आती है, हर हफ्ते छपती है या 2 हफ्ते बाद छपती है, कुछ इस प्रकार से है। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलती है।
इसके सिवा जब आप घर पे बैठे हैं या सैटरडे संडे आप फ्री हैं, क्योंकि सैटरडे संडे आधी कंपनीज में हाफ डे होता है सैटरडे में और हर एक कंपनी संडे को बंद होती है, इस दिन आप क्या करें, आप डीजी शिपिंग की साइट पे जाएं। डीजी शिपिंग की साइट में जाकर आरपीएसएल कंपनीज, लिस्ट ऑफ आरपीएसएल कंपनीज, उसे आप ढूंढें। अब इस लिस्ट में आपको ईमेल आईडी मिल जाएंगी हर एक आरपीएसएल कंपनी की। यहाँ से आप ईमेल आईडी उठाइए और सभी में अपना सीवी ईमेल कर दीजिए। और ये काम इस गेम को लॉन्ग गेम है, लॉन्ग शॉट आपने लगाना है। आप ऐसा ना सोचें कि एक महीने किया, दो महीने किया, बस नहीं हो पाया। आप लगातार करते रहिए। कितनों के साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ, मुझे मिलाकर, और कितने सारे लोग हैं जो इतने टाइम से कोशिश करते रहे और अचानक से उन्हें बुला लिया गया। मर्चेंट नेम में सब कुछ अचानक से होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कब साइन ऑन साइन ऑफ होगा, पता ही नहीं होता है कब शिप एंकर पे है और कब किनारे पे लगेगा, किसी को कुछ नहीं पता होता है। अचानक से सब कुछ होता है, अचानक से डिमांड आती है, इसलिए ऐसे मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना है। बस याद रखिए, जब भी आप कंपनी में जाएं, फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, टाई आपके लिए होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सीवी की कॉपी आपके पास हो, इंग्लिश आप अच्छी बोलें, शेव करके जाएं। मैं हूँ सौरभ भट्ट, आपका सलाहकार हिंदी में।